राम रहीम की रिहाई की मांग। पैरोल से दो दिन पहले प्रेमियों में जन अधिकार मोर्चा ने बांटे पंपलेट। डेरे का दावा कोई संबंध नहीं। हरियाणा के सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम कल सुनारिया जेल से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आ गया है। उसकी पैरोल से दो दिन पहले सिरसा में डेरे की कॉलोनियों और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले प्रेमियों के बीच एक जन अधिकार मोर्चा नाम की संस्था ने उसकी रिहाई के पंपलेट बांटे हैं, जो कि केंद्र सरकार से राम रहीम की रिहाई की मांग कर रहा है। पंपलेट का शीर्षक है संतों को न्याय कब। संतों के नेतृत्व में विशाल जनसभा 6 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर। ऐसे पंपलेट मिलने पर खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इस पंपलेट पर जन अधिकार मोर्चा के आवेदक राजेश वर्मा हैं। वहीं डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने कहा कि ऐसे पंपलेट से डेरे का कोई संबंध नहीं है। ये पंपलेट किसी डेरा अनुयायी ने नहीं बांटे, डेरे से कोई लेना देना नहीं। पंपलेट पर प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश का दुर्भाग्य है कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 542 माननीय सांसदों में से 233 सांसदों पर हत्या, अपहरण व महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित मामले दर्ज हैं। वहीं 3 सांसदों पर दुष्कर्म से संबंधित मामले भी दर्ज हैं। ऐसे सांसद आज संसद में बैठे हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि 138 मानवता भलाई कार्यों में 100 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम पूरी दुनिया में करने वाला राम रहीम जेल में है। करोड़ों भक्तों की आस्था को देखते राम रहीम को जल्द जेल से रिहा किया जाए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।